हार डीजल मैनुअल हार्ड टॉप के ग्रे कलर के बारे में। सो ये होगी एक कार का क्विक वॉक अराउंड वीडियो। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कार ग्रे कलर में देखने में कैसी लगती है, तो आप अभी देख सकते हैं आज की इस वीडियो में कि ग्रे कलर की जो थार है वो देखने में कैसी लग रही है। और साथ ही में अगर आप चेक करना चाहते हैं कार के बाकी सारे वेरियंट्स की वीडियोज़, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको बाकी सभी वेरियंट्स की वीडियो के लिंक, तो आप जा करके देख सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को भी। तो चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये एक स्टॉक कार है, इसमें कोई भी एसेसरीज हमने अभी फिट नहीं की हुई हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले बात करेंगे हेडलैम्प से, तो आपको आते हैं कार में सर्कुलर शेप में हैलोजन हेडलैम्प्स। उसके साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर LED DRLs आपके टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। साथ ही में नीचे आपको दिए गए हैं इसमें नाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए फॉग लैंप्स, और फ्रंट के जितने भी लैंप्स हैं उन सभी का जो सेटअप दिया गया है ये आपको हैलोजन सेटअप के अंदर मिलेंगे। स्टाइलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रंट बम्पर आपको मिलता है सिल्वर और ग्रे फिनिश के साथ में। साथ ही में जो ग्रिल है ये भी देखने में फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर दिखती है। और आप अभी चेक कर सकते हैं ओवरऑल कार की फ्रंट प्रोफाइल को, और आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि थार आपको ब्लैक कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ग्रे में आपको देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा वो है कार के अलॉय व्हील्स। R18 टायर साइज़ के साथ में आ जाते हैं आपको कार के अलॉय व्हील्स, जो कि देखने में अगेन काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगते हैं और कार की जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है उसको भी काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और साइड के स्टाइलिंग फीचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ये व्हील आर्चेस, ये आपको प्लास्टिक के व्हील आर्चेस मिलते हैं। बेसिकली साइड क्लैडिंग है जो कि कार को स्क्रैचेस से और कार को बोल्ड लुक्स दोनों ही प्रोवाइड कराती है। और साथ ही में नीचे आपको मिल जाता है ये इंटीग्रेटेड फुट स्टेप, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इधर आपको मिल जाता है ये एंटीना, और ओवरऑल साइड से कुछ देखने में ऐसी लगती है ये कार। ग्रे कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और आप अभी चेक कर सकते हैं ओवरऑल कार की साइड प्रोफाइल को। रियर प्रोफाइल में भी चल लेते हैं, तो रियर प्रोफाइल कुछ देखने में ऐसी लगती है। रियर से देखने में कुछ ज़्यादा कार जो है ज़्यादा अपीलिंग लगती है इस हार्ड टॉप और ग्रे कलर में, क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइट है ये देखने में काफ़ी जो है इसमें देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। टेल लैंप्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं LED टेल लैंप्स, मिडल में आ जाता है आपको थार का लोगो, और ओवरऑल कुछ रियर से देखने में ऐसी दिखती है। रियर में आपको आ जाता है ये चंकी जो है इसका टायर साइज़ स्पेयर व्हील, और नीचे आपको आ जाते हैं इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स। और बूट स्पेस की भी बात कर ली जाए तो ये आप अभी देख सकते हैं इसका बूट स्पेस। बूट को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक आप इसको सबसे पहले जो नीचे वाला टेल गेट है उसको ओपन करना है, और ऊपर वाले जो ग्लास है वो अलग से ओपन होगा। और कुछ ऐसा देखने में लगता है इसका रियर का बूट स्पेस, आप अभी चेक कर सकते हैं। और चलिए फटाफट से चल लेते हैं कार के अंदर, मैं आपको कार का जो इंटीरियर है वो भी चेक करा देता हूँ। तो ये आप अभी देख सकते हैं कार का इंटीरियर स्टैंडर्ड, बाकी सारे वेरिएंट्स की तरह इसमें भी आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा सिल्वर और सॉरी क्रोम और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। और ये आप अभी चेक कर सकते हैं इसका स्टेयरिंग कॉलम, इधर आपको मिल जाती है 7 इंचेस की टच स्क्रीन। इधर आप देख रहे हैं इसका सेंटर पैनल, इधर ये 6 स्पीड का जो गेयर लीवर है वो, और साइड में 4x4 का गेयर लीवर भी देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल कुछ ऐसी दिखती है ये कार। डोर कंपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर आपको मिल जाता है थार का लोगो, और इधर आपको दिए गए हैं यहाँ पर आपके ORVM एडजस्टमेंट, और नीचे आपको मिल जाता है कप होल्डर्स की स्पेसेस। और कुछ ऐसा दिखता है ये कार का इंटीरियर। यहाँ के स्विचेस की अगर बात की जाए तो इधर आपको मिल जाते हैं आपके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और इधर ये आपको दिया गया हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये चारों जो स्विचेस हैं ये आपको मिलते हैं आपकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के। और साइड में आपको मिल जाता है हेडलैम्प एडजस्टर, और ओवरऑल साइड से कुछ देखने में ऐसी लगती है कार। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो इसका कार का रियर कैबिन है वो एक्सेस करना है। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में। तो रियर को एक्सेस करने के लिए आपको दो बहुत ही छोटे सिंपल स्टेप्स करने हैं। जैसे कि अभी ये सीट मैंने बिल्कुल लास्ट फोल्ड की हुई है, तो यहाँ पर दिया गया है इसका ये लॉक, इसको आप ऊपर पुल करेंगे ये सीट आगे फोल्ड हो जाएगी, और इसी को ही पुल करके ही आपको इसको सीट को आगे स्लाइड करना है। ये आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से इसको और आप ऐसे इसको जो रियर कैबिन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और ये चलते हैं लास्ट रो सीट पर। तो रियर कैबिन की बात की जाए तो ये आप अभी देख सकते हैं रियर कैबिन, आपको अच्छा स्पेस जो है यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। बस कार के अंदर आना जाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी ये साइड में आपको एक्सपोजिव जो है साइड का ये पैनल मिल जाएगा, जो कि अगर कवर्ड होता, प्लास्टिक से कवर्ड होता तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता, और रियर से कुछ देखने में ऐसा लगता है।
इधर आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स, उधर आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस, और कुछ ऐसी दिखती है ये कार। इसको पीछे सीट को मैं, ये सीट लॉक हो गई, और कुछ देखने में ऐसा लग रहा है कार का ओवरऑल सेंटर पैनल। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई कार के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।